Hello student, I am Prachi. Welcome to this channel. In the last video, we see the transistor means what and different types of transistor. So in this video, we see based on this topic, the multiple choice questions. So this subject is important also for GATE exam. That is the upcoming GATE exam. The basic electronic subject is very important. So now here's the first question. This question is very basic question, that is BJT stands for. So BJT means what? BJT is a bipolar junction transistor, we all know. But BJT is a transistor. That transistor is invented by first, means it was the first transistor to be invented. And iska use jo hai wo widely use hota hai iska electronic circuit mein. सो बीजेटी क्या है? बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. नाउ सेकंड क्वेश्चन, द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज. अब जो ट्रांजिस्टर को इनपुट दिया जाता है इम्पीडेंस का, वो लो होता है, हाई होता है, वेरी हाई होता है या फिर ज़ीरो होता है. तो जो इनपुट इम्पीडेंस होता है ट्रांजिस्टर का वो लो होता है. दैट इज़ द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट. द इनपुट इम्पीडेंस ऑफ ट्रांजिस्टर इज लो. नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, विच रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज हाईली डोप्ड. ये हमने थ्योरी में देखा है कि कौन सी रीजन ट्रांजिस्टर की, थ्री रीजन्स होते हैं, कलेक्टर, इमिटर एंड बेस. सो कौन सा रीजन जो है वो हाईली डोप्ड होता है? तो इमिटर रीजन हमने देखा था कि वो हाईली डोप्ड होता है. सो आंसर ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज द इमिटर. विच रीजन ऑफ द ट्रांजिस्टर इज हाईली डोप्ड? Emitter. Now moving towards fourth question, both the junction in a transistor are forward bias. Transistor के जो both junctions होते हैं, क्या वो forward bias में होते हैं? Yeah, yes, true. That is the option A is, sorry, option B is, that is the false. It true नहीं है, क्योंकि both junctions जो होते हैं वो कभी भी forward में नहीं रहते, एक forward में या एक reverse में रहता है. सो इमिटर बेस्ड जंक्शंस एंड द कलेक्टर बेस्ड जंक्शन, ये हमने देखा था थ्योरी में कि दो जंक्शंस होते हैं, इमिटर बेस्ड जंक्शन एंड दी, जहाँ पे इमिटर एंड बेस कनेक्ट होता है वहाँ पे हम उसे इमिटर बेस्ड जंक्शन कहते हैं, J1. एंड जहाँ पे कलेक्टर बेस को कनेक्ट होता है वहाँ पे J2 हमने लिखा था, और उसे कहा था हमने कलेक्टर बेस्ड जंक्शन. तो अगर इमिटर बेस्ड जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा तो कलेक्टर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस में होगा, या कलेक्टर बायस फॉरवर्ड बायस फॉरवर्ड में होगा तो इमिटर बेस्ड जंक्शन रिवर्स बायस, मतलब वाइस वर्सा होता है ये. सो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज, विच जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड व्हेन द ट्रांजिस्टर यूज एन एम्पलीफायर. अब ट्रांजिस्टर का यूज जब एम्पलीफायर करते हैं तो कौन सा जंक्शन जो होता है, हमने अभी देखा कि दो जंक्शंस होते हैं इमिटर बेस एंड कलेक्टर बेस, तो कौन सा जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होता है जबकि हम इसका यूज़ एज ए एम्पलीफायर करते हैं? सो इमिटर बेस जो होता है वो फॉरवर्ड बायस में होता है जबकि हम ट्रांजिस्टर का यूज़ एज ए एम्पलीफायर करते हैं. नाउ ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द इमिटर बेस. एंड व्हेन द इमिटर बेस इज इन फॉरवर्ड बायस देन कलेक्टर बेस इज इन रिवर्स बायस. And this condition is called as active state of the transistor. जबकि emitter base हमारा forward bias में होता है and collector base reverse bias में होता है, तो उस state को हम active state कहते हैं. So when this type of question, when transistor is used as an amplifier, then emitter base is in forward bias and it is a active state. Question में ऐसा भी आ सकता है कि when the transistor is in active state. So when emitter base is in forward bias, then our transistor is in active state. A transistor, it is an semiconductor device and is used as an amplifier or to amplify the circuit or switching. Now next question is, the emitter base junction of a transistor is. Second is, biased while the collector base junction is. Now emitter base junction of a transistor. तो जब इमिटर बेस जंक्शन है वो जब फॉरवर्ड में रहता है तो कलेक्टर बेस जंक्शन उसके अपोजिट में रहता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे फॉरवर्ड बायस लेंगे
मतलब कि एक फॉरवर्ड में होगा तो एक रिवर्स में होगा, हम रिवर्स रिवर्स या फॉरवर्ड फॉरवर्ड नहीं लिए सकते। सो द इमिटर बेस जंक्शन ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज इन फॉरवर्ड बायस व्हेन द कलेक्टर बेस जंक्शन इज इन रिवर्स बायस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट्स व्हेन, एनपीएन ट्रांजिस्टर कब कंडक्ट करेगा? बोथ द कलेक्टर्स एंड इमिटर आर पॉजिटिव विद द रिस्पेक्ट टू द बेस। कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड द इमिटर इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द बेस। कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड द इमिटर इज एट द सेम पोटेंशियल एज द बेस। बोथ कलेक्टर एंड इमिटर आर नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द बेस। अब एनपीएन ट्रांजिस्टर कब कंडक्ट होगा? तो ऑप्शन बी इसका आंसर है, कलेक्टर इज पॉजिटिव एंड द इमिटर इज नेगेटिव विथ रिस्पेक्ट टू द बेस। जब कलेक्टर पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पे रिवर्स स्टेट आएगी, जब कलेक्टर पॉजिटिव होगा एंड इमिटर नेगेटिव होगा विथ रिस्पेक्ट टू बेस, सो तब एनपीएन ट्रांजिस्टर कंडक्ट होगा। एंड पीएनपी कब होगा? जबकि इसके रिवर्स होगा, मतलब कि कलेक्टर नेगेटिव होगा और इमिटर पॉजिटिव होगा, तब पीएनपी कंडक्ट करेगा। और एनपीएन ट्रांजिस्टर कब कंडक्ट करता है? जबकि कलेक्टर पॉजिटिव होता है एंड इमिटर नेगेटिव होता है विथ रिस्पेक्ट टू द बेस। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। सो ऑप्शन ए इज कॉमन बेस ट्रांजिस्टर इज कॉमनली यूज बिकॉज द करंट गेन इज मैक्सिमम। कॉमन बेस ट्रांजिस्टर का कॉमनली यूज करते हैं बिकॉज द करंट गेन इज मैक्सिमम होता है इसलिए। कॉमन इमिटर इज कॉमनली यूज बिकॉज द करंट गेन इज मैक्सिमम। कॉमन कलेक्टर इज कॉमनली यूज बिकॉज द करंट गेन इज मैक्सिमम एंड कॉमन इमिटर इज द लीस्ट यूज ट्रांजिस्टर। अब यहाँ पे करंट गेन मैक्सिमम ये तो करेक्ट है, बट कॉमनली हम किसका यूज़ करते हैं? कॉमन बेस का, कॉमन इमिटर का या कॉमन कलेक्टर का? तो हम कॉमन इमिटर का यूज़ करते हैं बिकॉज द करंट गेन इज मैक्सिमम मिले इसलिए। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज द कॉमन इमिटर इज कॉमनली यूज बिकॉज द करंट गेन इज मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ए पीएनपी ट्रांजिस्टर वर्किंग एज ए कॉमन बेस एम्पलीफायर द करंट गेन इज 0.96 एंड इमिटर करंट इज 7.2 मिली एम्पियर द बेस करंट इज। जब पीएनपी ट्रांजिस्टर कॉमन बेस एम्पलीफायर एज ए यूज होता है तो उसका करंट गेन होता है 0.96 एंड इमिटर करंट होता है 7.2 मिली एम्पियर, तो उसका बेस करंट क्या होगा? तो उसका बेस करंट होगा 0.29 मिली एम्पियर। सो थ्योरी लेक्चर जो है उसमें इसका फॉर्मूला एंड कैलकुलेशन दिया गया है, आप वो देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द लीस्ट डोप्ड रीजन इन ए ट्रांजिस्टर आइदर इमिटर और कलेक्टर बेस, इमिटर एंड कलेक्टर। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज द बेस। लीस्ट डोप्ड रीजन इन ट्रांजिस्टर इज बेस। द ट्रांजिस्टर प्रोवाइड गुड पावर एम्प्लीफिकेशन व्हेन दे आर यूज्ड इन। ट्रांजिस्टर क्या करता है? गुड पावर एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड करता है व्हेन दे आर यूज्ड इन। ये कब? मतलब कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉमन इमिटर बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन होगा, या इनमें से कोई भी नहीं। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। जब होगा तब ट्रांजिस्टर क्या करेगा? गुड पावर एम्प्लीफिकेशन प्रोवाइड करेगा, दैट इज द कॉमन इमिटर कॉन्फ़िगरेशन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अब ट्रांजिस्टर के पैरामीटर में उसका बी पैरामीटर अगर 99 है तो उसके ए पैरामीटर की वैल्यू क्या होगी? तो उसके ए पैरामीटर की वैल्यू 0.99 होगी। ये भी आपको थ्योरी लेक्चर में देखने को मिलेगा। नाउ अ ट्रांजिस्टर इज यूज्ड इन कॉमन इमिटर मोड एज एन एम्पलीफायर देन। अगर ट्रांजिस्टर हमारा कॉमन इमिटर मोड एज एन एम्पलीफायर यूज होगा तो क्या होगा? तो बेस इमिटर जंक्शन क्या फॉरवर्ड बायस में होगा। इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज अप्लाइड टू द बेस इमिटर जंक्शन होगा। द बेस इमिटर जंक्शन विल बी रिवर्स्ड बायस एंड द वोल्टेज अप्लाइड टू बायस द बेस कलेक्टर जंक्शन एंड द इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज द ट्रांजिस्टर इज यूज इन कॉमन इमिटर मोड एज एन एम्पलीफायर देन द इनपुट सिग्नल इज कनेक्टेड इन सीरीज विद द वोल्टेज अप्लाइड टू बेस इमिटर जंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन अ पीएनपी ट्रांजिस्टर द बेस इज द एन रीजन इट्स विद रिलेटेड टू द पी रीजन इज। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट, दैट इज द स्मॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
और ट्रांजिस्टर हैज़ 1 PN जंक्शन, 2 PN जंक्शन, 3 PN जंक्शन या 4 PN जंक्शन. सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, दैट ट्रांजिस्टर हैज़ 2 PN जंक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रांजिस्टर इज ऑपरेटेड कंट्रोल डिवाइस. द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर और द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज हाई, लो, वेरी लो और ऑलमोस्ट ज़ीरो. सो द ट्रांजिस्टर इज लो ऑपरेटेड कंट्रोल डिवाइस और द इनपुट इम्पिडेंस ऑफ द ट्रांजिस्टर इज लो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए PNP ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर्स आर एक्सेप्टर आयन्स, डोनर आयन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ए होल्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट, दैट इज इन अ PNP ट्रांजिस्टर द करंट कैरियर्स आर डोनर आयन्स. क्वेश्चन नंबर 18th इज, द कलेक्टर ऑफ अ ट्रांजिस्टर इज डोप्ड, हैवीली डोप्ड, मॉडरेटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड या नन ऑफ अबव. सो द कलेक्टर ऑफ ट्रांजिस्टर इज मॉडरेटली डोप्ड एंड द इमिटर ऑफ द ट्रांजिस्टर इज हैवीली डोप्ड एंड कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड एंड बेस इज लाइटली डोप्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ ट्रांजिस्टर इज ए करंट ऑपरेटेड डिवाइस, वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस, बोथ करंट एंड वोल्टेज एंड नोन. सो द ट्रांजिस्टर इज ए करंट ऑपरेटेड डिवाइस. इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड समटाइम्स वी आर कन्फ्यूज दिस क्वेश्चन, मीन्स ट्रांजिस्टर इज ए वोल्टेज ऑपरेटेड और करंट ऑपरेटेड. सो ट्रांजिस्टर इज ए करंट ऑपरेटेड डिवाइस, नथिंग, नॉट ए वोल्टेज ऑपरेटेड डिवाइस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन ए PNP ट्रांजिस्टर डैश आर द माइनॉरिटी कैरियर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स, होल्स, डोनर आयन्स एंड एक्सेप्टर आयन्स. सो द होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स. ऑप्शन बी इज करेक्ट, इन ए PNP ट्रांजिस्टर होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स. इन NPN में होल्स माइनॉरिटी रहते हैं और PNP ट्रांजिस्टर में होल्स मेजोरिटी कैरियर्स रहते हैं. सो इन ए NPN ट्रांजिस्टर होल्स आर द माइनॉरिटी कैरियर्स. सो थैंक यू, आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो सम अदर क्वेश्चंस ऑन ट्रांजिस्टर एंड न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ऑल्सो एंड देयर फुल एक्सप्लेनेशन. थैंक यू.